الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين معزز برادران اسلام حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے احکام الہی دو حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ وہ کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ کام کرو اور اس کی ادائیگی کے لیے بھی وقت مقرر فرمایا. ان کو کہتے ہیں احکام مقیدہ با اوقات, حکم مقید با وقت. اور کچھ احکام ایسے ہیں حکم تو فرمایا یہ کام کرو مگر اس کام کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر نہ فرمایا, ایسے احکام کو کہتے ہیں احکام مطلقہ, جہاں وقت کی قید نہیں, جہاں اللہ کریم حکم دے کام کی ادائیگی کا وقت مقرر فرمائے وہ کام وقت مقرر کے اندر ادا کرو, اور جہاں حکم ہے اور وقت کی پابندی نہیں وہ کام ہر وقت ہو سکتا ہے. المطلق یجری علی اطلاق, مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے, اس کو ضمن دلیل کوئی مجتہد کوئی فقیہ مقید نہیں کر سکتا. تین مثالیں احکام مقیدہ بالاوقات سے پیش کرتا ہوں. مثلا فردی نماز کا حکم دیا, فردی نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر فرمایا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, حکم بھی ہے فردی نماز کا, ادائیگی کا وقت بھی مقرر, فردی روزے کا حکم دیا اس کے لیے بھی وقت مقرر فرمایا. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم,
जो रमजान शरीफ का महीना पाए जरूर इस महीने के रोजे रखे। फर्जी नमाज के लिए वक्त मुकर्रर, फर्जी रोजे के लिए माह मुकद्दस मुकर्रर, हज के लिए तारीख मुकर्रर और मकाम भी मुकर्रर। यहां हज नहीं हो सकता, कल हज नहीं हो सकता, परसों हज नहीं हो सकता। अरब शरीफ में नौजल हज हो, मैदान अरफात हो, तो हज की अदायगी के लिए वक्त मुकर्रर। हज के तीन अरकान शराइत फराइज के लिए अशहर मुकर्रर, अल हज अशहर मालूमात, हज के महीने मालूम है। युक्म शव्वाल से हज का एहराम बांधा जा सकता है 8 ज़ुलहज तक। एक अहम फर्ज एहराम मरकजी फर्ज वकूफ अरफात 9 ज़ुलहज को, तवाफ जियारत तीसरा फर्ज। ये तीन नजीरें मिसालें उन अहकाम की हैं। हुक्म भी है अदायगी के लिए, वक्त भी मुकर्रर है। अब तीन नजीरें मिसालें उन अहकाम की पेश कर रहा हूं। हुक्म तो है कि ये काम करो, मगर वक्त की पाबंदी नहीं। फरमाए फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। मौला कोई वक्त वक्त की पाबंदी नहीं, ये हुक्म मुतलक। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। ईमान वाले मेरे नबी पे सलातो सलाम पढ़ो। अस्सलातो सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदन नबी अल उम्मी व अला आलिही व असहाबी व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। सलातो सलाम का हुक्म है, मगर वक्त की पाबंदी नहीं। ये दरूद और सलाम वाला हुक्म मुकय्यद ब वक्त नहीं, ये हुक्म मुतलक है। और अल मुतलक को यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पे जारी रहता है, उसको मुकय्यद नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब दुर्रे मुख्तार ने लिखा अस्सलातु वस्सलामु अलैहि मुस्तहब्बतुन फी कुल्ले औकातिल इमकान। हर वक्त मुमकिन में आका पे सलातो सलाम पढ़ना मुस्तहब है, बाइस बख्शिश है, जरिया निजात है। मुहक्किक अल्लामा शामी ने नीचे लिखा है सोला मान या ला, जिस वक्त की रुकावट नहीं उस हर वक्त में दरूद और सलाम पढ़ सकते हो। सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ो, दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो, कियाम में पढ़ो, कुद में पढ़ो,
लेट के पढ़ो, इनफिरादी तौर पे पढ़ो, इज्तमाई तौर पे पढ़ो, अजान से पहले पढ़ो, अजान के बाद पढ़ो, इकामत से पहले पढ़ो, नमाज से पहले पढ़ो, नमाज के बाद पढ़ो, सारे औकात इसमें शामिल हैं जो मुतलक अपने इतलाक पे जारी रहता है। तो अल्लाह का जिक्र हुक्म मुतलक, हुजूर का सलातो सलाम हुक्म मुतलक, और अल्लाह करीम से भीख मांगना, दुआ मांगना, इसका हुक्म है। वकाला रब्बुकुम उद्उनी, तुम्हारे पालनहार ने फरमाया मुझसे दुआ मांगो। दुआ का हुक्म है, किस वक्त मांगे, क्या 8 बजे तेरा दफ्तर खुलता है, 4 बजे बंद, फिर जो दरख्वास्त देनी है कल इंतजार करें। फरमाने दुआ का हुक्म है, वक्त की पाबंदी नहीं, जिस वक्त चाहो दुआ मांगो। मजीद उमूम पैदा करने के लिए फरमाया उजीब दावत अद्दाई इजादान, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जिस वक्त मुझसे दुआ मांगे। सुबह को मांगो, शाम को मांगो, दिन को मांगो, रात को मांगो, सफर में मांगो, हजर में मांगो, इनफिरादी तौर पे मांगो, इज्तमाई तौर पे मांगो, सवारी पे सवार होते वक्त मांगो, उतरते वक्त मांगो, अपनी बीमारी में मांगो, किसी और बीमार के लिए मांगो, मुसलमान के मरने के बाद मांगो, उसके जनाजे से पहले मांगो, जनाजे के बीच मांगो, नमाज जनाजा के बाद मांगो, दफनाने के वक्त मांगो, दफन करने के बाद मांगो, जुमरात को मांगो, स्वयं को मांगो, शाशमाही को मांगो, सालाना मांगो। कोई दुआ पे पाबंदी नहीं, जिस वक्त चाहो दुआ मांगो। 3 हुक्म पेश किए हैं जिनकी अदायगी के लिए वक्त मुकर्रर, फर्जी नमाज, फर्जी रोजा और हज। 3 हुक्म पेश किए हैं मुश्ते नमूनाज खरवारे, अल्लाह ताला का जिक्र करो, वक्त की पाबंदी नहीं मुतलक, हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम जान रहमत जान मुराद रूह शफकत सैयद लिबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजो। मुतलक हुक्म हर वक्त भेजो, हर आन भेजो। दुआ के लिए मुतलक हुक्म हर वक्त मांगो, हर आन मांगो। जब भी मांगो दुआ मांगने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है मेरा दफ्तर खुला है। मेरे तुम्हारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उत्लुबुल खैरा अद्दहरा कुल्ला, अल्लाह ताला से खैर तलब करो पूरा जमाना, जमी औकात, हमा वक्त अल्लाह ताला से खैर तलब करो। कितना शान करीमी है कि भीख मांगने वाले को फरमाता है जब तेरा दिल चाहे तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। दुआ के कुछ आदाब हैं, रिज़्क हलाल हो, जुबान सच्ची हो, अव्वल आखिर दरमियान में सलातो सलाम हो,
मांगे आरज ना हो तो हाथ फैला के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, रो रो के मांगो। दुआ मांगते हुए शक न करो, जन न करो, यकीन मोहकम के साथ मांगो और आंसू निकले तो सुभान अल्लाह, वरना रोने वालों की तरह शक्ल बनाओ, फिर भी करीम खैरात दे देगा। हर वक्त दुआ मांगने की इजाजत है, मगर कुछ वक्त ऐसा मुकर्रर फरमाया 24 घंटों में, जब तिहाई हिस्सा रात का बाकी होता है सुबह सादिक से पहले, तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु आसमान दुनिया से अपने बंदों को पुकारता है। हाल में मुस्तग़फिरिन फअग़फिरु लहू, हाय कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, मुस्ते गुनाह बख्श दूं। हल मिम मुब्तलिन फअआफी है, हाय कोई किसी मुसीबत में मुब्तला, मैं उसे आफियत बख्शूं। हल मिम मुस्तर लेकिन फअर्ज़ुकुहु, हाय कोई रिज्क हलाल मांगने वाला, मुझके रिज्क के हलाल बरकत वाला अता कर। अला कजा हत्ता यतलाल फज्र, कई से रात से लेके सुबह सादिक तक हर रात अल्लाह करीम पुकारता है। अगर बख्शने का इरादा ना होता तो वो पुकारता क्यों? अगर उसके देने का इरादा ना होता तो पुकारता क्यों? दुनिया का सखी किसी को दर पे बुला के खाली नहीं लौटाता, तो अकरमुल अकरमीन अरहमुल राहिमीन भी पिछली रात पुकार के खाली नहीं लौटाता। जो हाथ फैलाता है, जो दामन फैलाता है, बिस्तर छोड़ता है, नींद कुर्बान करता है, वुजू करता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह करीम का जिक्र करता है, दरूद व सलाम पढ़ता है, फिर रो रो के मांगता है, यकीनन उसकी झोली भी रहमत से पुर कर दी जाती है। अत्तार हो रूमी हो, अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाह। जिसको भी बैरात मिली है, जिसको विलायत मिली है, जिसको मार्फत मिली है, पिछली रात के रोने से मिली है। जो पिछली रात को रोता है वो मौत के वक्त मुस्कराता है, जो पिछली रात नहीं रोता उसे हमेशा रोना पड़ेगा। आज वक्त है जाग ले, करीम पुकारता है झोली भर ले, मगर पिछली रात चुस्त लोग शागिल लोग उठ के वुजू भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कलमा तैयब का जिक्र भी करते हैं, इसमें जात की जर्द भी दिल पे लगाते हैं, दिल को झाड़ू देते हैं कलमे से, दरूद और सलाम से छिड़का लगाते हैं। जब सीना साफ हो जाता है तो वो सीना मदीना बन जाता है, फिर अल्लाह करीम भी मिल जाता है, नबी करीम भी मिल जाता है। मगर हुजूर की उम्मत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब शागिल नहीं, सब चुस्त नहीं, कोई गाफिल भी हैं,
और सुस्त भी हैं। तो सुस्त लोगों के लिए मजीद उसका करम हुआ। मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजब मेरी उम्मत का महीना है, उसकी फजीलत तमाम महीनों पे इस तरह है जिस तरह मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। और आका ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, मेरा शाबान की अजमत के लिए ये निस्बत कि ये मेरा महीना है, जितना भी तारीफ करो कम है। जिसको हुजूर अपना बना ले उसका क्या मकाम होगा। तो मैं शाबान मेरा महीना है, ये अल्लाह की नेक बंदी फौत हुई, मुनकर नकीर आए, पूछने लगे मन रब्बो के तेरा रब कौन है। वो कहने लगी अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह मुझे अपनी बंदी तस्लीम न करे तो मेरे जवाब देने से क्या होगा। रब से जाके पूछो ये भी तेरी बंदी है, अल्लाह पर वापस आ जाओ मेरी बंदी। आप लाख बार कहते रहे मैं हुजूर का गुलाम हूं, हुजूर एक दफा कह दें, एक दफा फरमा दें ये मेरा गुलाम है। आप लाख मर्तबा कहते रहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, बात उस वक्त बनेगी कि अल्लाह फरमा दे ये मेरा बंदा है। तो हुजूर ने अपनी तरफ निस्बत की, बड़े बड़े गिरफ्त करने वाले हाकिम जब किसी पे नाराज होते हैं पकड़ना चाहते हैं, एक हुज्जत वाला कहता है ये मेरा है, फौरन वो छोड़ देता है। कहीं दावत हो गेट पे खड़े होंगे, पास दिखाओ दावतनामा, कोई हुज्जत वाला कहते ये मेरे साथ है तो बात बन जाती है। मेरे कहने में बड़ी बरकत है। कितना ही रूसिया इंसान हो और जहन्नम का चलान हो जाए उस वक्त मेरे नबी कहते हैं या अल्लाह ये मेरा है, फिर मेरे की शान देखना कि तौक टूटते या नहीं टूटते, चेहरा रोशन होता या नहीं होता। ये मेरे कहने में बड़ी लज्जत है। खुदा की कसम सब कुछ ले ले, सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान। आका एक दफा फरमा दे ये भी मेरा है, ये भी मेरे हैं, एक दफा फरमा दे ये मेरे हैं, आपकी हजारों काविशें एक तरफ, हुजूर का यही फरमाना ये मेरे हैं, बात बन जाती है। तो फरमाया शाबान मेरा महीना है, इसकी फजीलत तमाम महीनों पे इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तमाम अंबिया पे। ये वही शाबान मुकद्दस है, शाबान मुअज्जम है। इसकी 15 की रात को क्या होता है, रब्बे करीम ने कुरान करीम में फरमाया फीहा 15 शाबान की रात में युफरा को तकसीम किए जाते हैं, कुल्लो अमरिन हकीम सारे हिकमत के कारोबार इस रात तकसीम किए जाते हैं। तकदीर के बड़े दफ्तर से 15 शाबान से लेके आने वाली 15 शाबान तक जिनने मरना होता है उनके नाम मालकुल मौत के हवाले कर दिए जाते हैं। यह साल की फहरिस्त है।
जिन्होंने इस 15 शाबान की रात से अगले साल 15 शाबान तक पैदा होना होता है, रूह फूंकने वाले फरिश्ते को वो साल की लिस्ट दे दी जाती है, फुलां घर में बेटी फुलां बेटा, इसकी तस्वीर बनानी है। जिन्हें शाबान के बाद हज करना होता है उनकी लिस्ट भी 15 शाबान की रात तैयार होती है। तमाम हिकमत के कारोबार इसी रात तकसीम किए जाते हैं। ये सालाना बजट की रात है, सालाना बजट तय होता है। बड़े तकदीर के दफ्तर से मुतअल्लिका मलाइका तक फरिश्ते पहुंचा दी जाती हैं, और मगरब से सुबह सादिक तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया से पुकारता है कि हाय कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दू, हाय कोई रिज्क मांगने वाला उसे रिज्क हलाल बरकत वाला दू, हाय कोई किसीबत में मुसीबत में मुबतला उसे मैं आफियत बख्शूं, हाय कोई किसी मकसद वाला जायज इरादे वाला मैं उसका मकसद पूरा करूं। मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक तो हबीब तेरी उम्मत में सुस्त भी थे, या सुस्त लोगों के लिए मैंने ये रात रखी है। अब तो जाग रहे हैं, बिस्तर तो नहीं छुड़ा रहा इनका, इनकी प्यारी नींद तो कुर्बानी हो रही है। अब तो चल फिर रहे हैं, अब भी नहीं हिम्मत नहीं मुझसे भीख मांगना। ये आग रोशन करने की रात नहीं, आग बुझाने की रात है, आतशबाजी की रात नहीं, रब को राजी करने की रात है। आतशबाजी हिंदुओं की रस्म है, आतशबाजी न करें, अल्लाह को राजी करें। कितना बख्शिश होती है ये गैब दान नबी से पूछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अरब में कबीला बनी कलब का रेवड़ बकरियां सबसे ज्यादा थी, और भी रेवड़ थे मगर कबीला बनी कलब की बकरियां सबसे ज्यादा थी। मेरे तुम्हारे आका व मौला आलम माकाना व मा यकून सलम ने फरमाया कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा पक्के जहन्नमी इस रात जन्नती बन जाते। हम एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, हुजूर पूरे रेवड़ के बाल गिन चुके। इधर बकरियों के बाल का इल्म है कि कितनी तादाद में है, उधर रब की मगफिरत रहमत का भी इल्म है कि कितना जहन्नमी इस रात जन्नती बन रहे हैं। अब सलात माकूस में मस्त थे बकौल ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमत सैयद आयशा सिद्दीका ने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रब के हुस्न और जमाल के अंदर मुस्तगरक होने की वजह से, फनाइयत के मकाम की वजह से फरमाया मन अंते की बजाय मन अंता, तू कौन जवान है। अर्ज की आना आयशा, पर मैं मन आयशा आयशा कहूंगा। आपकी बिन तो अबी बकर निस्सिद्दीक अबू बकर की साहबजादी, पर मैं मन अबू बकर कौन है। आपकी खादिमो व मुहिब्बो
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من محمد، ایک ایسا مقام آتا ہے نہ وہاں کوئی فرشتہ سما سکتا ہے نہ کوئی ملاک مقرب سما سکتا ہے نہ نبی مرسل سما سکتا ہے، بقول اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتو تو مول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئی کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور 15 شعبان کی رات کو ہمارے اموات کی روحیں گھروں میں آتی ہیں. اتنا بڑی رات کچھ ہمارے روح کے لیے ایصال ثواب کے لیے، کچھ طعام بخشو، کچھ کلام بخشو. اللہ کرے کسی کی روح خالی نہ لوٹے، پیچھے ایصال ثواب کرنے والے موجود ہیں. فرمایا قومو لیلہا وصومو نہارہا، 15 شعبان کی رات کو کھڑے ہو کے نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو. ماہ مقدس شعبان معظم میں اکثر حضور روزہ رکھتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے. رمضان شریف کے بعد، فروی روزے کے بعد زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ اس رات کے فیوزات و برکات مستفید فرمائے. دعا کے لیے ہر وقت کھلا ہے دروازہ، پچھلی رات خود پکارتا ہے، چست لوگ فیض لے لیتے ہیں، سست محروم رہتے ہیں. سست افراد کے لیے شعبان المعظم میں یہ رات رکھی گئی تاکہ سست بھی رحمت سے جھولیاں بھر. چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. درود شریف ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی و صحابی و بارک وسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال، حضور سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی خالق بحرا من نور، اللہ نے دریا بنایا نور کا دریا، تحت العرش عرش کے نیچے نور کا دریا، ثم خالق ملکا، پھر رب نے ایک فرشتہ بنایا، لہو جناحان، اس فرشتے کے دو پر ہیں. اے جاننے والے نبی، اے علم والے آقا، کتنے بڑے پر ہیں اس فرشتے کے؟ تمہیں احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، اس کا ایک پر مشرق تک ہے، دوسرا مغرب تک ہے. وراسہ تحت العرش، اس کا سر عرش کے نیچے ہے. ورجلاہ تحت الارض السابعہ، اس کے قدم ساتویں زمین سے بھی نیچے. فاذا صلی العبد علیہ فی شعر شعبان، جب میرا امتی
मुझ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम पढ़ता है शाबान के महीने में, मेरे महीने में जब मुझ पे दरूद सलाम पढ़ता है, आमर अल्लाह ताला ज़ालिकल मलक, अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है अन यग्मेसा फी माइल हयात, हयात के पानी में ऐ फरिश्ता गोता खा। फरिश्ता उस हयात के पानी में जब गोता खाता है, सुम्मा यखरो जो मिन हो, हयात के दरिया से जब बाहर निकलता है, फयनफदु जना है अपने दोनों परों को झाड़ता है, फयक्तुरु मिन कुल्ले रीशतिन कतरात, उसके हर बाल से कई पानी के कतरे टपकते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके हर कतरे से फरिश्ता पैदा करता है, फरिश्ता पैदा कर हुक्म देता है कि शाबान के महीने में मेरे हबीब के फलाने उम्मती ने हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ा था, अब तू कियामत तक उसके लिए बख्शिश मांगते रहो। यह शाबान मुअज्जम के फजाइल में से एक फजीलत। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु काला फ़ज़्लु शाबान अला सायर शुहूर का फ़ज़्लि अला सायर लंबिया, माह शाबान की फजीलत तमाम महीनों पे इस तरह है जिस तरह मेरी फजीलत तमाम अंबिया पे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला इस महीने के अंदर बंदों के आमाल सालेह को मेरी निस्बत की वजह से शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुलामों पता है इस महीने को शाबान क्यों कहा जाता है? कालू गुलामों ने अर्ज की अल्लाह व रसूलहु आलमो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों को बहुत इल्म है, दोनों बहुत इल्म रखते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया इसलिए इस महीने को शाबान कहते हैं, या तशाबु फिया खैरुन कसीर, बहुत सी खैर इस महीने में फैलती है, तो उस फैलने की वजह से इस महीने का नाम शाबान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया अतानी जिब्रील, मुझ मुस्तफा के पास जिब्रील आया, लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की 15 की रात को, वकाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही लैलतुन, 15 शाबान की रात ऐसी रात है, तुफ्तहु फीहा अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे इस रात खोल दिए जाते हैं, व अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे भी इस रात खोल दिए जाते हैं, फकुम व सल्ले, आप खड़े हों और नमाज पढ़ें, वरफा रासक, अपना सर उठाइए, व यदय का इलस समा, अपने हाथ फैलाएं आसमान की तरफ। मैंने कहा जिब्रील ये कैसी रात है? मैं ऐसी शान वाली रात है इसमें 300 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्मत के सब गुनाहगारों को
इस रात बख्श देता है, मगर कुछ बदबख्त हैं उनकी बख्शिश इस रात भी नहीं होती। जो बद मजहब हैं, बद अकीदा हैं, उनकी इस रात बख्शिश नहीं होती। जादूगर की इस रात बख्शिश नहीं होती, काहिन की इस रात बख्शिश नहीं होती, हमेशा शराब पीने वाले की इस रात बख्शिश नहीं होती, बदकारी जिना पे इसरार करने वाले की इस रात बख्शिश नहीं होती, सूद खोर की इस रात बख्शिश नहीं होती, वालिदैन के बेफरमान की इस रात बख्शिश नहीं होती, चुगल खोर की इस रात बख्शिश नहीं होती, जो कता रहम करे उसकी इस रात बख्शिश नहीं होती। बाकी जितना गुनाहगार है वो माफी मांगे अल्लाह बख्श देता है। ये मुजरिम भी इस रात के आने से पहले बद मजहब, अपने गंदे कीजिए से तौबा कर ले, जादूगर आइंदा जादूगरी से तौबा कर ले, शराबी आगे शराब पीने से तौबा कर ले, बदकार बेहयाई से तौबा कर ले, सूदखोर सूद खाने से तौबा कर ले, वालिदैन का बेफरमान वालिदैन को राजी कर ले, चुगलखोर अहद कर ले तौबा करे आगे चुगलखोरी नहीं करूंगा, कतर रहम करने वाला तौबा कर ले मैं सेला रहमी करूंगा, तो उनकी भी इस रात बख्शिश हो जाएगा, बशर्ते कि इन गुनाहों से इस रात के आने से पहले तौबा कर ले। हजरत याजा बिन मुआज फरमाते हैं शाबान में पांच हर्फ हैं, शीन ऐन बा अलिफ नून, तो अल्लाह हर हर्फ के बदले हुजूर की उम्मत के हर मोमिन को एक अतिया अता फरमाता है, हर हर्फ के बदले नवाजिश फरमाता है, शीन के बदले शर्फ अता फरमाता है और शफात से बहरामंद फरमाता है, ऐन के बदले हर मोमिन को सही अकीदा को इज्जत अता फरमाता है, करामत बुजुर्गी देता है। शाबान की बा की वजह से नेकी की तौफीक अता फरमाता है, अलिफ की वजह से उल्फत अता फरमाता है, नून की वजह से नूरानियत अता फरमाता है। इसीलिए कहा गया, बुजुर्गों ने फरमाया रजब में बदन पाक करो, शाबान में दिल पाक करो, रमजान शरीफ में रूह पाक करो। बदन पाक नहीं होगा तो दिल कैसे पाक करोगे, दिल पाक नहीं होगा तो रूह कैसे पाक होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, फरमाया मन सामा जिसने रोजे रखे, सलासत अय्यामिन तीन दिन रोजे, मिन अव्वल शाबान शाबान की इब्तदा में तीन रोजे रखे, औसत शाबान में तीन दिन के रोजे रखे, आखिर शाबान में तीन दिन के रोजे रखे, कातबल्लाहु लहू सवाबा सब ईना नबीयन, सत्तर अंबिया का सवाब मेरी निस्बत की वजह से मेरे उम्मती को अता फरमाता है। गोया कि उसने सत्तर साल तक अल्लाह ताला की इबादत की, अगर इस महीने में मोमिन ईमान की हालत में मर गया, फरमाया माता शहीदा शोहदा में वो शामिल होगा, चूंकि महीना मेरा है, मेरी निस्बत की वजह से
उसे इज्जत मिल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने शाबान की ताजीम की, अल्लाह से डरता रहा, अल्लाह ताला की इताअत की, अपनी जान को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाहिदी एक हिकायत बयान करते हैं कि मेरे एक दोस्त फौत हो गया, मैंने उसका जनाजा पढ़ा। 8 महीने तक मैं उसकी कब्र पर ना गया। 8 महीने के बाद मैं अपनी दोस्त की कब्र पे गया, फिर रात को सो गया, मैंने देखा मेरा वो मुर्दा दोस्त, उसका रंग तब्दील है, चेहरा जर्द है। मैंने सलाम किया, उसने जवाब न दिया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, दोस्त हो के सलाम का जवाब नहीं देते। कहने लगा सलाम का जवाब देना इबादत है, हम इबादत से मुनकते हैं, मुकल्लफ नहीं। मैंने कहा मैं तुझे देखता हूं, तेरा चेहरा तब्दील है, तेरे चेहरे पे वो हुस्न व जमाल नहीं जो दुनिया में था। मैंने कहा जब मुझे कब्र में रखा गया, फरिश्ता आया मेरे सर पे खड़ा हुआ। कहने लगा ऐ बुरे शेख, ऐ बुराई के धनी धनी बूढ़े, और मेरे गुनाह गिनता गया। सारी उम्र तूने गुनाहों में बर्बाद की, मेरे बुरे काम उसने गिने, मुझे उसने कोड़ा मारा, मेरे जिस्म में आग लग गई, फिर मेरे साथ कब्र ने गुफ्तगू की, तुझे रब का हया नहीं आया, जिंदगी गुजारी बेफरमानी में, तो कब्र मेरे साथ बोलने लगी, फिर कब्र ने मुझे दबोचा, मेरी पसलियां एक दूसरे की तरफ घुस गईं, मैं अजाब में रहा 8 महीने, हत्ता के वो रात आ गई जिस रात शाबान का चांद चढ़ा। जब इस महीने का चांद चढ़ा, निदा करने वाले निदा की, अरे फरिश्ता शाबान मेरे महबूब का महीना है, अब इससे अजाब उठा ले। इसने एक रात शाबान में खड़े होके नवाफिल पढ़े थे, दिन को रोजा भी रखा था, रात को खड़े होके नवाफिल पढ़े थे, तो उस नवाफिल की वजह से, शाबान के रोजे की वजह से मेरा अजाब उठा लिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं टिकट देता हूं जो 5 रातें रब की इबादत में गुजारे उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा। ईद की 2 रातें, शाबान की रात, शबे कद और 9 ज़िलहज की रात, ये रातें अल्लाह की इबादत में गुजरी तो दिल हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस के अनवार से मुनव्वर फरमाए। निस्बत हबीब का सदका, अल्लाह मुझे भी बिला हिसाब बख्शे, आपको भी बिला हिसाब बख्शे। जैसे इबादत सवालहीन इस महीने में मुस्तफीज होते रहे, हमें भी अल्लाह ताला उस तरह मुस्तफीज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।